Hey everyone, welcome back to your favorite YouTube channel Educational Hikes. My name is Prem Pandey और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 से साइंस का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम. इस चैप्टर का पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और ये वीडियो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. पहले पार्ट की जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लस जितने भी चैप्टर्स हमने अपलोड किए हैं क्लास 8 साइंस से और इंग्लिश से उन सारे वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहां से जाके आप उन सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हो. प्लस अगर आपको वहां नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, और अगर वहां पर भी आपको नहीं मिलती है तो सिंपली आप चैप्टर का नाम स्लैश एजुकेशनल हाइक्स करके सर्च करेंगे तो आपको सारी वीडियोस हमारी मिल जाएंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम. स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए शुरू करते हैं पेट्रोलियम. You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. तुम already जानते हो जो petrol है वो ईंधन के तौर पर, fuel के तौर पर use होता है जो हल्के फुल्की छोटी मोटी गाड़ियाँ हैं जैसे motorcycle होगी, scooter हो गया, कार हो गया, इन सारी चीज़ को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है. और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जैसे ट्रक, ट्रैक्टर्स, इनको चलाने के लिए डीजल की जरूरत पड़ती है. पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. अब ये जो पेट्रोल और डीजल है वो एक नेचुरल रिसोर्स से हमें मिलता है जिसका नाम है पेट्रोलियम. अब आपको लग रहा होगा सर पेट्रोल और पेट्रोलियम अलग कैसे है, तो अलग इस तरीके से है कि पेट्रोलियम के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है, मिट्टी का तेल भी मिलता है, बिटुमिन भी मिलता है, लेकिन पेट्रोल क्या है, एक फ्यूल है, सिंपली एक फ्यूल है. तो पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और पेट्रोल सिंपल सा फ्यूल है. पेट्रोल डीजल हमें पेट्रोलियम से मिलता है. Do you know how petroleum is formed? क्या आपको पता है petroleum बनता कैसे है? Petroleum was formed from organisms living in the sea. Petroleum उन जानवरों से बनता है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है जो समुद्र में रहते हैं. As these organisms died, क्योंकि जैसे ही जो समुद्र के जानवर होते हैं जैसे ही वो मर जाते हैं उनकी जो डेड बॉडी होती है सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी, वो समुद्र के निचले हिस्से में जाके बैठ जाती है एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और समय के साथ साथ उस पर मिट्टी बालू, बहुत सारा मिट्टी बालू उनके डेड बॉडी पर इकट्ठा हो जाता है. और लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद, लाखों साल बाद, जब उस डेड बॉडी में ना एयर जाती है, उसका टेम्परेचर भी हाई रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इन सभी कारणों की वजह से, कौन से तीन कारण थे, अब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण ये जो डेड बॉडीज होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में. मतलब ये जो डेड बॉडीज होती हैं वो लाखों साल बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बन जाती हैं. चलिए लुक एट फिगर 5.4. ये फिगर 5.4 देखना है हमें, और इसमें क्या देखना है वो ऊपर लिखा गया है कि ये दिखा रहा है कि डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यहां पे आपको दिख रहा होगा. यहां पर देखो गैस सबसे ऊपर लिखा है, उसके नीचे ऑयल लिखा है, मतलब वो पेट्रोलियम ऑयल है, ठीक है, और नीचे सबसे क्या है, पानी है. अब यहां पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. तुमने देखा कि जो पेट्रोल है और जो गैस है वो दोनों पानी से ऊपर है. आप देख रहे हो ना, गैस सबसे ऊपर, तेल उससे नीचे, फिर पानी सबसे नीचे. ऐसा क्यों है? बिकॉज जब हम जो भी कोई भी चीज़ होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, जो तेल है और जो नेचुरल गैस है, इनकी डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होती है, इसी की वजह से ये पानी से मिक्स नहीं होते, हमेशा पानी में ऊपर रहते हैं. ये कोई भी तेल आप अगर पानी में डाल के देख लो, डेंसिटी तेल की उतना ज़्यादा नहीं होती कि वो पानी से मिक्स हो सके, इसलिए वो पानी के हमेशा ऊपर रहती है. अब यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ दिया गया है कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, दुनिया का सबसे पहला तेल निकालने के लिए, पेट्रोल निकालने के लिए जो कुआं खोदा गया था वो पेनिनसुलावेनिया में खोदा गया था जो कि USA में है. 1859 की बात है ये, और उसके 8 साल बाद 1867 में तेल मकूम जिले में मिला, और मकूम जिला आसाम में है, और भारत में
तेल कहां कहां पाया जाता है, असम में, गुजरात में, मुंबई हाई, मुंबई हाई मतलब मुंबई के समुद्री किनारे से लगभग 176 किलोमीटर दूर पर यह जगह है मुंबई हाई, जहां पर तेल निकाला जाता है। और कहां मिलता है पेट्रोल, इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, गोदावरी और कृष्णा की जो रिवर बेसिन्स, बेसिन मतलब होता है घाटी, जो गोदावरी नदी और कृष्णा नदी की जो घाटियां होती हैं जहां से वो बह के निकलती है, वहां पर भी हमें पेट्रोलियम मिलता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अब हम पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम को हम रिफाइन करके कौन कौन सी चीजें पेट्रोलियम से हमें मिलती है और पेट्रोलियम कितना ज्यादा जरूरी है। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, पेट्रोलियम एक बहुत ही गाढ़ा और ऑयली लिक्विड है, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है, इसकी जो गंध है वो अनप्लीजेंट होती है, मतलब बहुत ही बदबूदार होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये जो पेट्रोलियम है वो बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है, जैसे कि पेट्रोलियम गैस हमें पेट्रोलियम से मिलता है, पेट्रोल भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है, डीजल भी हमें पेट्रोलियम से मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब क्या होता है, जो मोबिल हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं ना, उसी को लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, ठीक है। जो गल्फ का मोबिल हो गया, किसी भी कंपनी का मोबिल जो हो गया, जो हम अपनी गाड़ियों में या कहीं पर भी डालते हैं चिकनाई के लिए, ठीक है, उसी को लुब्रिकेटिंग ऑयल कहते हैं, तो ये भी पेट्रोलियम से मिलता है। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स मतलब एक मोम होता है जिससे वैसलीन बनाया जाता है, मोमबत्तियां बनाई जाती हैं, तो ये सारी चीजें हमें पेट्रोलियम से ही मिलती है। और द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। और पेट्रोलियम के अंदर जो इतनी सारी चीजें होती हैं, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, पैराफिन वैक्स हो गया, इन सब को अलग करने के लिए, इन सबको सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। यहां पर रिफाइनिंग की डिफिनीशन एकदम डायरेक्टली दी गई है कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है। इट इज कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी, और ये जो पेट्रोलियम का रिफाइनिंग होता है, जो पेट्रोलियम में से छाटा जाता है, वो कहां पर होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में हमें पेट्रोल, डीजल, बिटुमिन, पैराफिन वैक्स, जितनी सारी चीजें पेट्रोलियम से मिलती हैं, वो अलग अलग किया जाता है, कहां पर, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। चलिए आगे पढ़ते हैं। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। टेबल 5.1 में पेट्रोलियम से मिलने वाले अलग अलग चीजें और उनका क्या प्रयोग है, वो सारी चीजें यहां पर दी गई हैं। हम इसको अभी पढ़ते हैं और इसमें कुछ लिखा गया है कि मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। बहुत सारी जरूरत की चीजें हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलती है, और इन जरूरी चीजों को हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। पेट्रोकेमिकल्स से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे देखो क्या क्या बनाई जाती हैं। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, फाइबर्स, पॉलीथिन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स। पेट्रोकेमिकल से हम डिटर्जेंट, जो हमारे घर पे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का यूज होता है ना, वो भी पेट्रोकेमिकल से मिलता है। फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, ये सारी चीजें भी हमें पेट्रोकेमिकल से ही मिलती हैं। पॉलीथिन जो हम बनाते हैं उसमें भी पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है, और भी जितनी भी प्लास्टिक्स का यूज हम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो भी पेट्रोकेमिकल से ही बनता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो नेचुरल गैस से हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट गैस होती है, ये हमारे यहां पर जो यूरिया, डाई, ये सब आता है ना, वो भी हमारे नेचुरल गैस से ही बनता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। और चूंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का हमारी जिंदगी में बहुत सारे यूजेज हैं, इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, काला सोना, ब्लैक गोल्ड। अब नेचुरल गैस के बारे में हम पढ़ेंगे, उससे पहले हम ये टेबल को देख लेते हैं कि पेट्रोलियम से हमें क्या क्या मिलता है और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसे पेट्रोलियम से हमें पहली चीज मिलती है LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है। इसका क्या यूज है, हमारे घरों में और इंडस्ट्रीज में ये फ्यूल के तौर पर यूज होता है। हमारे घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं ना, उसमें LPG गैस ही होता है। दूसरा पेट्रोल, पेट्रोल से क्या क्या यूजेस हैं पेट्रोल के, जानते हो, हमारी गाड़ियों में पेट्रोल यूज होता है। ड्राई क्लीनिंग, कपड़े साफ कर, जो कपड़ों की जो क्लीनिंग होती है उसमें भी पेट्रोल का यूज होता है। कैरोसिन,
14 मिट्टी का तेल, इसका क्या यूज है? ये हमारे यहाँ जो स्टोव्स होती हैं, पुराने जमाने में आपने देखा होगा स्टोव का यूज होता था, स्टोव में भी मिट्टी का तेल यूज होता है। लैंप, लैंप को जलाने के लिए भी मिट्टी का तेल यूज होता है। जेट प्लेन्स जो होते हैं, जो जेट होते हैं ना, जेट प्लेन्स, वहां पर भी आपको मिट्टी का तेल का यूज होता है ताकि वो चलाए जा सके। जेट प्लेन, जैसे हमारी गाड़ियों को पेट्रोल चाहिए ना, वैसे ही जेट प्लेन्स को मिट्टी का तेल चाहिए। डीजल, डीजल का यूज़ क्या है? जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, जो हमारे घरों में जनरेटर होते हैं, और जो ट्रैक्टर ट्रक, इन सब में डीजल का यूज़ होता है ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे। लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का मतलब मैंने पहले भी बताया, जैसे मोबिल हो गया, ठीक है, इसका यूज़ क्या होता है? लुब्रिकेशन के लिए होता है, चिकनाई देने के लिए होता है। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स क्या होता है? पैराफिन वैक्स हम कह सकते हैं एक ऐसा मोम होता है जो कि अलग अलग चीजों में यूज होता है। कौन कौन से यूजेस होते हैं? ऑइंटमेंट्स, ऑइंटमेंट्स का यूज क्या होता है? ऑइंटमेंट्स मतलब जो हम दवाई की दुकान से खरीद के लेके आते हैं ना, ट्यूब, कि हमें चोट लग गई है, चलो हम यहाँ पे ट्यूब लगाएंगे, मतलब ऑइंटमेंट लगाएंगे, दवाई लगाएंगे, तो पैराफिन वैक्स से दवाइयाँ भी बनती हैं। कैंडल्स, जो मोमबत्तियाँ होती हैं, वो भी पैराफिन वैक्स से ही बनती हैं। वैसलीन जो हम लगाते हैं ठंडियों में, वो भी है यहाँ पर पैराफिन वैक्स से मिलती है। बिटुमिन, बिटुमिन का यूज़ होता है पेंट बनाने में, और जो रोड को सरफेस करने में, जो रोड बनते हैं, पहले डामर का यूज़ होता था, अब बिटुमिन का यूज़ होता है। समझ गए, आगे चलते हैं। नेचुरल गैस के बारे में हमें पढ़ना था। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। जो नेचुरल गैस है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान है। हम इसे डायरेक्टली पाइप में डाल के वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ तक हमें ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल, कई घरों में गैस की पाइप भी होती हैं, गैस की जो कनेक्शन होती है वो पाइप से होती है, मतलब जहाँ पर मेन है वहाँ से गैस छोड़ा जाता है और अलग अलग घरों में गैस पाइप्स द्वारा पहुंच जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस होता है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रखा जाता है, जैसे कि हमारा सीएनजी गैस हो गया, इसको भी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव दे के रखा जाता है, ठीक है। CNG is used for power generation. आपको पता है जो हमारे यहाँ ऑटो हो गई, ऑटो कैसे चलती है? वो CNG गैस से चलती है, ठीक है। ये पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। पावर जनरेशन का मतलब CNG पावर देता है ऑटो को, तभी तो ऑटो चलता है ना। इट इज नाउ बींग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, इट इज अ क्लीनर फ्यूल। अब हम जानते हैं गाड़ियों में CNG का यूज होने लगा है, और क्यों होने लगा है? क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत कम करता है और बहुत ही साफ ईंधन है, ये बहुत ही ज्यादा क्लीन फ्यूल है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान ये नहीं पहुंचाता है। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। अब सीएनजी का सबसे महत्वपूर्ण जो एडवांटेज है, जो सबसे ज्यादा लाभ है सीएनजी यूज करने का, वो क्या है? ये हमारे घरों में फ्यूल के तौर पर डायरेक्टली यूज किया जा सकता है, मतलब हमें जो सिलेंडर में हम अपनी एलपीजी गैस भरते हैं ना, अगर हमें और भी किसी तरीके से खाना बनाने की जरूरत हुई तो हम सीएनजी गैस का यूज कर सकते हैं। फैक्ट्रीज में भी सीएनजी गैस का यूज होता है, और ये कैसे पहुंचता है फैक्ट्रीज में और घरों तक? पाइप से पहुंचाया जाता है, समझ गए। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। और ऐसा हो भी रहा है हमारे इंडिया में, पाइपलाइन से गैसेस पहुंचाई जाती हैं घरों घरों तक। और कौन कौन सी जगह है जहां पर ऐसा होता है? गुजरात में एक जगह है वडोदरा, वहां पर भी पाइपलाइन से घरों में सीएनजी पहुंचाया जाता है। दिल्ली के कुछ हिस्से हो गए, और भी कई सारे जगह हैं इंडिया में जहां पर पाइपलाइन के थ्रू सीएनजी गैस पहुंचाया जाता है ताकि घरों में यूज हो सके, फैक्ट्रीज में यूज हो सके। नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस का यूज शुरुआती तौर पर, मतलब कि नेचुरल गैस रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है, मतलब नेचुरल गैस से बहुत सारे केमिकल्स बनाए जाते हैं, बहुत सारे हमारे जो खाद होते हैं जैसे फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डाई, ये सारी चीजें नेचुरल गैस से बनाई जाती है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। आपको पता है हमारे भारत में ना नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। इन आवर कंट्री, हमारे देश में नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र
एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। हमारे देश में कई ऐसे जगह हैं जैसे त्रिपुरा हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा मुझे भी समझने में प्रॉब्लम हुई थी पहले जब मुझे मेरे टीचर्स पढ़ा रहे थे, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली फिगर से बता देता हूं कि ये डेल्टा होता क्या है। जो कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा होता है, डेल्टा आप देख पा रहे हो फिगर में, कोई भी नदी जब समुद्र से मिलती है तो जो समुद्र का किनारा होता है, मतलब जहां नदी और समुद्र मिलती है, जो मीटिंग पॉइंट होता है, वहां पर क्या होता है, जितनी भी नदियां अपने अंदर जितनी भी चीजें ली रहती हैं, जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं वहां समुद्री जानवरों के, नदी में रहने वाले मछलियों के जितनी भी डेड बॉडीज होती हैं, जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो समुद्र और नदी जहां मिलती है वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में हमें नेचुरल गैस मिलता है। तो कौन कौन से जगह पे नेचुरल गैस मिलता है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। अब यहां पर बूझो पूछ रहा है कि क्या कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, क्या हम इसको लैब में बना सकते हैं? मतलब जैसा हमने अभी पढ़ा कि कोल पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये डेड ऑर्गेनिज्म से बनता है, तो क्या हम डेड बॉडीज, जो एनिमल्स के डेड बॉडीज लेके, क्या हम लैब में बना सकते हैं पेट्रोलियम गैस, डीजल? तो पहली इसका आंसर कहती है, कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि देयर फॉर्मेशन इज वेरी स्लो प्रोसेस, क्योंकि कोल पेट्रोलियम ये बहुत स्लो प्रोसेस की वजह से बनते हैं, हजारों साल लग जाते हैं इनको बनने में। और जो कंडीशन चाहिए, जैसे क्या कंडीशन चाहिए, कि टेंपरेचर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए जहां पर पेट्रोल बनता है, यहां का प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस हम लैब में नहीं क्रिएट कर सकते और इसीलिए पेट्रोलियम हम लैब में नहीं बना सकते। लास्ट टॉपिक है हमारा, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कुछ जो प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सारी लिमिटेड क्वांटिटी में है, मतलब बहुत कम है और समय के साथ खत्म हो जाएंगी। यू हैव स्टडीड इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर, तुमने चैप्टर स्टार्ट होने की शुरुआत में ही पढ़ा था, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्टिबल भी होते हैं, मतलब समय के साथ खत्म भी हो जाते हैं, जैसे कुछ फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल, पेट्रोलियम, ये सब समय के साथ खत्म हो जाएंगे। जो हमारी जो जंगल हो गए, जो हमारे पेड़ पौधे हो गए, अगर हम इनको लगातार काटते रहे तो ये समय के साथ खत्म हो जाएंगे। कुछ मिनरल्स भी होते हैं जो समय के साथ खत्म हो जाएंगे। यू नो दैट, तुम जानते हो कि कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, और ये बनते कैसे हैं, इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इन टू दीज फ्यूल्स, हजारों नहीं बल्कि लाखों साल लग जाते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स, मरे हुए जानवरों को कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने में कितने साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। और उसी दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, और दूसरी तरफ जहां से हमें अब अभी इस टाइम में जहां पर हमें पेट्रोलियम, कोयला, ये सब मिलता है, वो कुछ सौ सालों तक ही चलेंगे, मतलब सौ सालों के बाद वो खत्म हो जाएंगे। मोर ओवर बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स, और ज्यादा से ज्यादा सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि अगर हम कोल, पेट्रोलियम, इन सारी चीजों को जलाते हैं ना, तो एयर पोल्यूशन होता है, मतलब हवा दूषित होती है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, यहां तक कि ग्लोबल वार्मिंग भी कोल, पेट्रोलियम से निकले हुए गैसेस की वजह से ही होती है। इसी के लिए ये जरूरी है कि हम इन फ्यूल्स को बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े तभी यूज करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, इससे क्या होगा, हमारा जो एनवायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, वो साफ सुथरा रहेगा। स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग होने की चांसेस बहुत कम होंगी और ये लंबे समय तक अवेलेबल रहेगा, समझ गए। अब यहां पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं कि हमारे भारत में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या होता है, पेट्रोल डीजल को बचाने के तौर तरीके बताए जाते हैं, पेट्रोल डीजल बचाया जाता है इस एसोसिएशन में, तो PCRA नाम है इसका, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। इसने हमें सलाह दिया है कि हम कैसे पेट्रोल और डीजल बचा सकते हैं गाड़ी को चलाते हुए, तो कुछ टिप्स दिया गया है नीचे कि हम कैसे पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। पहला, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जहां तक हो सके आप एक ही स्पीड में गाड़ी चलाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 45 की स्पीड में चल रहे हैं, अपनी बाइक को चला रहे हैं, तो आप जितने लंबे समय तक इस स्पीड पे चला सकते हैं उतना ही आपका पेट्रोल और डीजल बचेगा। दूसरा, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट,
ऐसे जगह जहां पर आपको गाड़ी खड़ी करके वेट करना हो, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, अगर रेड सिग्नल है तो वहां पे आपको वेट करना है, तो वहां पर अपनी गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए, पेट्रोल खर्च नहीं होगा। तीसरा, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। अगर हमारे गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं उसमें हवा बहुत ज्यादा नहीं होता, अगर हवा कम होता है तो पेट्रोल डीजल ज्यादा लगता है क्योंकि गाड़ी पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, ठीक है। चौथा, इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। अपनी गाड़ी को समय समय पर सर्विसिंग कराते रहिए ताकि पेट्रोल डीजल कम लगे। तो यहीं पर हमारा चैप्टर ओवर होता है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट होता है, तो हम जल्द ही लेके आएंगे। हमें पता है चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ एक साथ ही सारे क्वेश्चन आंसर अपलोड हो जाएंगे हमारे चैनल पे, तो चैनल के साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।